silence, guys. You want to fix it? Ranji? Batao. What do I do? This? Tires? It's just midi hai na, midi hai. Bola apne wo man's ka kit karna kya uska beard ka hoga usme usse dost hoga आप दोनों नजदीक आइए ना जी ये छतरी बंद होगी आप थैंक्स आयुष्मान यानी आप दोनों से जानना चाहूंगा इस तरह के इमोशनल इंटरव्यू कितने थकाने वाले होते हैं एक ही बात को अलग अलग लोगों को वही सवाल फिर वही जवाब देने मैं ऐसा लगा हमारा किरदार मैं दिल जीत गया सवाल पूछ आपने क्या मन की बात जो छीनी है ना सर कमाल हाउ टायरिंग अ प्रमोशनल इंटरव्यू यू नो व्हेन इट्स हैपनिंग इन अ वन शॉट देखो ऐसा है कि ये जितना आपको फिल्म से प्यार होता है ना तो आप वो उसे अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं पर उसका जो सार होता है वो सेम होता है पर ये सवाल सच में बहुत बहुत बेहतरीन है आज तक किसी ने नहीं पूछा बस मन की व्यथा थी हमारी जो सामने आई थैंक यू आयुष्मान आपसे जाना चाहूँगा रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा है ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ हर तरफ से बहुत तारीफ ही हो रही है जैसे टेक मॉड सो लेकिन हाफ द बैटल इज ऑन क्योंकि लोगों ने सराहना चालू कर दिया है क्योंकि जब फेस होता है ट्रेलर किसी भी फिल्म का टीजर जब उसको कामयाबी मिल जाती है तो लेकिन हाफ द बैटल इज ऑन आप दोनों से पूछते हैं देयर इज नो बैटल सॉरी आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया ना पहले क्वेश्चन से सम वेरी कंफर्टेबल ओके दिस नो बैटल इट्स अ वॉर सी वॉर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आई थिंक वॉर तो सुपर हिट हो गया सर वैसे हमारे पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी वॉर वैसे ही हां आदि ब्लॉकबस्टर वी आर होपिंग पिक्चर हाउसफुल होगी आई थिंक हम बाकी फिल्मों की प्रमोशन साथ में कर रहे हैं आज नहीं आई थिंक ऑफ कोर्स ट्रेलर इज द फर्स्ट विंडो टू योर फिल्म एंड जिस तरह को रिस्पांस मिला है अभी तक बहुत बहुत अच्छा मिला है बहुत पॉजिटिव मिला है और जब सामने से आपको सब बोलते हैं आप मीडिया से भी सब और हूएवर वी मीट कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म वर्सेस कि आप तो अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है आई थिंक वी जस्ट लाइक मुंबई का ड्रामा सामने से बोलो सामने से लोग बोलते हैं सामने से लोग साइड से ही बोलते हैं पीछे पर बोल रहे हैं लोग ट्रेलर सामने से बोल रहे हैं कि ट्रेलर अच्छा है और ट्रेलर देख के ही लोग डिसाइड करते हैं कि फिल्म देखने जाए आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है ट्रेलर देख के पहचान जाती है कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी नहीं है एंड आई एम ग्लैड बाला के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सेवंथ को आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी फिल्म है अच्छा यूके डॉनर से लेकर अब तक जिस तरह की फिल्में आप करते हैं शुरुआत अमूमन जब फिल्मों में शुरुआत होती है कोई नया एक्टर शुरुआत करता है तो रोमांटिक फिल्म में नो ज़्यादा करके उसी पे फोकस करा था कि ये पेड़ों के जो गाना हो रहा है महबूबा है जो वो माँ बाप शादी में लेने ब्याह होती लेकिन आपने बहुत अलग शुरुआत करी और फिल्मों का चुनाव भी उसी डॉनर में रोमांस था माँ बाप नहीं मान रहे थे छत पे रोमांस किया गाना भी गाया था उसने कुछ है बात की बात नहीं मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक हाँ शुभ मंगल सावधान से लेकर विकी डॉनर और पार्टी तक अलग जिस तरह फिल्मों का चुनाव ये फिल्में आप तक पहुंची या आप फिल्मों तक पहुंचे किस्मत का कितना दखल मानते हैं डेस्टिनी का ये अपार्ट ये मतलब फैंटास्टिक एक्टर भी है आई थिंक ये दोनों का एक मेल जोल रहा है कभी कभी मैं फिल्मों तक पहुँचता हूँ कभी फिल्में मेरे तक पहुँची हैं और पहली फिल्म से कई बार क्या होता है आप एक ट्रैजेक्टरी सेट करते हैं अपनी फिल्म की और मेरा वो स्टेपल बन गया था स्लाइस ऑफ लाइफ टैबू ब्रेकिंग स्क्रिप्ट्स तो मुझे लगा कि वो फॉर्मूला एक क्रिएट हुआ था वहाँ पर कि अगर कुछ नया ऑडियंस को आप देंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है
और कुछ ऐसा देंगे जो जिससे बात करने में थोड़ा सा कतराएंगे, और कुछ ऐसी ऐसा इशू सामने लेके आएंगे जिससे कॉमेडी निकल सकती है. तो आई गेस वो एक अच्छा फॉर्मूला बन जाता है. बट हैविंग सेड दैट, बीच बीचों के फॉर्मूला तोड़ने के लिए आर्टिकल 15 या अंधाधुन जैसी फिल्में करनी होती हैं. मैं हर तरह का जॉनर ट्राई करना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम हमेशा कुछ नया करना चाहता हूँ. क्या आप मानते हैं कि दमदार के हसन एक नई पहचान थी उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए? बिकॉज वहाँ पे भी हम बात करते हैं, कोई मोटा है वो भी लड़की. या दमलगा के ऐशा मेरे लिए एक एक्चुअली एक जीवन दान था. उससे उसके बाद विकी डोनर के बाद 3 फिल्में इतनी नहीं चली थी. दमलगा के ऐशा के बाद फिर से वो पटरी पे गाड़ी आ गई थी, इट वॉज लाइक दैट. और उसके बाद अच्छी फिल्में आती रहीं. एंड दमलगा के ऐशा एक बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, क्योंकि उसका 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 फिल्म का चलन बहुत इंटरनेशनल सिनेमा टाइप है. इट्स नॉट अ टिपिकल कमर्शियल फिल्म. यशराज के तरफ से बहुत ही नॉन यशराज फिल्म थी वो. सो दैट वॉज वेरी स्पेशल. ऐसा होता है कुछ. किसी का नाम लेना चाहिए? नाम कैसे लेंगे? नाम ना ले, लेकिन अगर बताएं कि किस किस मसले से बाहर निकाला कि नहीं यार योर बेस्ट. नाम नहीं ले सकते बट हाँ, मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो होता है दैट आपको किसी बात से शायद खुद इनसिक्योरिटी ना हो पर कोई और आपको फील करवाए इनसिक्योर आपके बारे में. तो वो उन्हें बस कुछ नहीं है, आपका एज अ फ्रेंड दैट्स योर जॉब यू नो टू सपोर्ट देम एंड टू रिमाइंड देम ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सेल्फ लव. दैट्स इट. मेरे काफ़ी जूनियर्स रहे हैं कॉलेज से जो एक्टिंग करने मुंबई आते हैं, और ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर आप 2 दिन में इनसिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना कंपटीशन है, बहुत एक्टर्स हैं. जब मैं अकेले रह रहा था तो मेरा घर एक धर्मशाला बन गया था, क्योंकि जितने भी मेरे कॉलेज के पास आउट्स होते थे मेरे घर पर आके पड़े रहते थे, और उनको मैं हमेशा रोज़ यही पेप टॉक देता था कैसे आपको मोटिवेट करना है अपने आप को. हर एक की लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो बालों को लेकर हो, हाइट को लेकर हो, या फिर वेट को लेकर हो, स्किन कलर को लेकर हो. हम एक इंसान इनसिक्योरिटी से भरा पड़ा होता है, तो आपको वो खुद देखना है कि आपकी ज़िंदगी का नज़रिया कैसे बदलना है, कितना पॉजिटिव रखना है. सो डिपेंड्स ऑन यू. और मैं हमेशा कैटलिस्ट रहा हूँ अपने जूनियर्स के लिए. अभी मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ, मेरा थिएटर ग्रुप है वहाँ पर, तो उनसे मिलता हूँ हमेशा, उनको उनको सिक्योर करके वापस आता हूँ. अश्वथ, जिस रफ्तार से हम चाहेंगे कि ये रफ्तार बनी रहे, राष्ट्रीय अवार्ड, इतना सम्मान, फिल्में बैक टू बैक, कमर्शियली बहुत बड़ी कामयाब, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या कहीं डर लगता है कि इसको संभालना भी है, इसको मेंटेन भी करना है? नहीं, ऐसा डर नहीं लगता है. इनफैक्ट बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी है. लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उनकी ओपनिंग बेटर आती है, ऐसा भी होता है. एक उससे पॉजिटिव्स ज़्यादा है, उसके नेगेटिव्स कम है. और दूसरी बात यह है कि आप और बेबाक हो जाते हैं. यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो सही रही हैं. आप और रिस्क लेने का एक जज्बा आप में बढ़ जाता है. इस मकाम पे जहाँ पहुँचे, किसी को शुक्रिया अदा करना चाहें, हालांकि अनगिनत लोग होंगे इस पूरे सफर में, किसे करना चाहेंगे? एक वो शब्द जो स्टेज पे जाने से डरता था, कतराता था, आज वो राष्ट्रीय पुरस्कार होती है. मैं अपने पापा को थैंक यू बोलूँगा मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि मैं बहुत ही लेट बैक इंसान था. मैं चंडीगढ़ छोड़ना ही नहीं चाहता था. मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल के भेजा गया एक्टर बनने के लिए. मैं स्टेज पे जाने से कतराता था, तो मुझे ज़बरदस्ती डांस करवाते थे बर्थडे पार्टीज़ में. तो कॉन्फिडेंस जो है फ्रॉम लाइक एन इंट्रोवर्ट पर्सन टू अ पीपल्स पर्सन, वो शिफ्ट बहुत बड़ी होती है. तो शिफ्ट मेरे पापा की वजह से. Of course, you're never alone in your journey. और फैक्ट थैंक और ग्रैटिट्यूड है किसी के लिए, वो हमेशा फैमिली के लिए रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस की, जहाँ पे आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के लिए काफ़ी एक क्वेश्चन मार्क उस पर लगाया जाता है, या यू नो, तो वो उसे बरकरार रखना और उसे आपको एहसास कराना कि आप यहाँ पे एक रीज़न के लिए आए हैं, और वो रीज़न आप कभी ना भूलें. एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द की. तो आई थिंक वो सेल्फलेसली सिर्फ आपकी फैमिली कर सकती है आपकी. और थैंक यू सर. थैंक यू.
कितने खुश हैं आप पहली बार